बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज के पाठ का नाम है जनसंख्या। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीजें पढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य, किशोर जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। हम मानव के बिना विश्व की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि संस्कृति का निर्माण और समाज एवं अर्थव्यवस्था का निर्माण मानव के बिना नहीं उग पाया था। हर मानव में अलग अलग गुण होते हैं और वे अलग अलग चीजों का निर्माण करके उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ने कोयले के चट्टान के टुकड़े को भी तकनीक का आविष्कार करके प्राप्त किया और संसाधन बनाया था। अब ज्यादा आबादी वाले गांव या शहर को बाढ़ या सुनामी भारी नुकसान पहुंचाती है तो वह आपदा बन जाती है। समाज में जनसंख्या का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके अर्थ और महत्व जानकर इससे हमें दूसरी चीजों के बारे में भी पता लगता है। सिर्फ मानव ही संसाधन, आपदा, विनाश की सारी जानकारी दे सकते हैं, जैसे इनकी संख्या, इनकी वृद्धि आदि, और पर्यावरण की सारी जानकारी पर विचार विमर्श करके एकदम सही जानकारी देते हैं। मानव संसाधनों का उपभोग करने के लिए सबसे पहले जनसंख्या, उनके रहन सहन, उनका व्यापार व आदि देखते हैं। जनसंख्या से जुड़ी सारी जानकारी हमें भारतीय जनगणना से मिलती है। जनगणना करते समय तीन प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। तीसरा, जनसंख्या के गुण और विशेषताएं। आगे इन सभी को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। अब हम जनसंख्या के आकार और वितरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप नीचे चित्र में देखेंगे कि विश्व की 17.5% जनसंख्या, मतलब 12,106 लाख मार्च 2011 तक भारत की थी, जिसमें 12.1 करोड़ लोग विश्व के 2.4% हिस्सा, मतलब भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी हिस्से में फैले हुए थे। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1,990 लाख थी, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी, और यह देश की जनसंख्या का 16% हिस्सा था। और हिमालय के राज्य सिक्किम की आबादी 6 लाख और लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों की संख्या 64,429 थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाले भारतीय राज्य थे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.5% था। क्षेत्रफल के लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है और इससे हमें असमान वितरण साफ दिखता है। भारत विश्व के ज्यादा जनसंख्या वाले देश में आता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जिसमें बिहार का 1102 था, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। चित्र में जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण देखिए। चित्र में देखिए, जिन राज्यों की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, वहां पर्वत और जलवायवी अवस्था की वजह से जनसंख्या कम है। पहाड़ी, कम उपजाऊ मिट्टी, कम वर्षा और पथरीला भाग होने की वजह से असम और ज्यादातर प्रायद्वीपीय राज्य की जनसंख्या घनत्व मध्यम है, परंतु ज्यादा वर्षा और उपजाऊ मिट्टी के कारण केरल और उत्तर में मैदानी हिस्से की जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। अब हम दूसरी मुख्य बात जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आबादी, वितरण एवं संगठन एक बार बार बदलने वाली प्रक्रिया है
और यह परिवर्तन आबादी के जन्म, मृत्यु और लोगों के विदेश जाकर रहने की वजह से होता है। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझते हैं। जब किसी भी देश और राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या बदलती है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे हम दो तरह से देख सकते हैं, पहली तो सापेक्ष वृद्धि और दूसरा हर साल के परिवर्तन के प्रतिशत को देखकर। जब पहले की जनसंख्या जैसे 10 साल पहले में से 10 साल बाद की जनसंख्या को घटाकर देखते हैं, तो वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की बढ़ी हुई वृद्धि को प्रतिवर्ष प्रतिशत में देखा जाता है। जैसे हर वर्ष 2% वृद्धि का मतलब यह है कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, भारत की जनसंख्या 1991 में 3,610 लाख थी, फिर वह बढ़कर 2011 में 12,100 लाख की हो गई। 1981 में जनसंख्या 6,830 लाख थी और इस दौरान जन्म दर धीरे धीरे कम होने पर 1990 में कुल जनसंख्या 1,820 लाख हो गई थी। देश में इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि पहले कभी नहीं देखी गई थी। भारत की जनसंख्या पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या में वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जन्म दर के लिए किए जा रहे प्रयासों को नियंत्रण करने के लिए वृद्धि दर में कमी सफलता को प्रदर्शित करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। अब हम जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या में बदलाव की 3 मुख्य प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच की जनसंख्या का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष 1,000 लोगों में जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक पाई जाती है। 1,000 लोगों में से वर्ष में कि जितने लोग मरते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या बढ़ने से मृत्यु दर कम हो गई है। 1980 में जन्म दर बढ़ने की वजह से मृत्यु दर बहुत ज्यादा गिर गई थी और जनसंख्या बढ़ गई थी। 1981 में जन्म दर कम होने की वजह से जनसंख्या भी कम हो गई थी। प्रवास की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि या गिरावट आती है। जब लोग भारत के भीतर आंतरिक दूसरे क्षेत्र या फिर भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो यह प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास का जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। प्रयास की भूमिका से जनसंख्या वितरण और उसके भाग परिवर्तित होते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण प्रभावी होता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी और शहरों में अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे केवल जनसंख्या के आकार में बदलाव नहीं आता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में भी परिवर्तन आता है। भारत में शहरी ग्रामीण प्रवास के चलते शहरों और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि बढ़कर 2011 में 31.80% हो गई थी। 2001 से 2011 यानी एक दशक के अंदर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 35 से बढ़कर 53 लाख हो गई। किसी भी देश में जनसंख्या वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। किसी देश की आबादी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, बच्चे जो कि 15 वर्ष से कम रहते हैं। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। यह अपने खाने, वस्त्र तथा स्वास्थ्य के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरे, वयस्क 15 से 59 वर्ष। यह आर्थिक रूप से उत्पादन शुल्क एवं जैविक रूप से कार्यशील होते हैं। तीसरा वर्ग है वृद्ध यानी कि 59 वर्ष से अधिक
या आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं या कार्य करने में असमर्थ होते हैं और अवकाश प्राप्त करते हैं। यह अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। बच्चों और वृद्धों के उत्पादक न होने की वजह से इनके प्रतिशत से जनसंख्या का आश्रित अनुपात प्रभावित होती है। भारत की जनसंख्या 3 समूहों के अनुपात में दिखाई गई है। अब हम लिंग अनुपात पढ़ेंगे। चित्र में देखें कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। किसी समय में यह समाज में पुरुषों और महिलाओं में समानता मापता था, इसलिए यह सामाजिक सूचक था। देश का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। यह आपको 1951 से 2011 के बीच हुआ लिंग अनुपात में पता लगे। अब हम साक्षरता दर पढ़ेंगे। साक्षरता जनसंख्या का महत्वपूर्ण गुण होता है। सिर्फ एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान नागरिक ही सही निर्णय लेकर कुछ खोज करके विकास का काम कर सकता है, लेकिन साक्षरता की कमी के कारण आर्थिक विकास नहीं हो सकता। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक साक्षर की श्रेणी में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला व्यक्ति जो लिख पढ़ सकता है वह आता है। भारत की साक्षरता प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। 2011 में जनगणना में पाया गया है कि देश में साक्षरता दर 73% था, जिसमें पुरुषों की 80.9% और महिलाओं की 64.6% थी। जनसंख्या का आर्थिक रूप से काम करने वाला प्रतिशत विकास के बारे में बताता है। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुसार जो जनसंख्या का वितरण होता है उसे व्यवसायिक संरचना कहते हैं। हर देश में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। व्यक्तियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में बांटा गया है। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और अन्न आदि काम आते हैं। द्वितीयक में उत्पाद करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण के काम आते हैं। तृतीय में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं आती है। विकसित और विकासशील देशों में काम करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। जो विकसित देशों में होते हैं उनमें द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के कामों में काम करने वाले लोग अनुपात ज्यादा होता है, और विकासशील देशों में प्राथमिक में काम करने वाले लोगों का अनुपात ज्यादा होता है। भारत की जनसंख्या का 64% हिस्सा तो केवल कृषि कार्य ही करता है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 13% एवं 20% है। परंतु वर्तमान में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण बढ़ा तो द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ था। जनसंख्या की संरचना के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और विकास के कामों के लिए भी प्रभावी है। भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम और प्रयास किए गए थे उनसे जनसंख्या का स्वास्थ्य सुधरा था। मृत्यु दर 1951 में 25 प्रति हजार थी, जो कि 2011 में 7.2 प्रति हजार तक कम हो गई थी, और औसत आयु 1991 में 36.7 वर्ष से 2012 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई थी। संक्रामक बीमारियों और रोगों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, जनस्वास्थ्य जैसे कई सुधार हुए थे, परंतु फिर भी भारत का स्वास्थ्य स्तर चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कॉलेरा की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है और जनसंख्या का बड़ा भाग कुपोषित है। गांव की जनसंख्या के 1/3 लोगों को ही शुद्ध पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, इसलिए एक नीति बनाकर इन मुश्किलों को खत्म करना जरूरी है। अब हम किशोर जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या का 5वां महत्वपूर्ण भाग किशोर जनसंख्या, जिसमें 10 से 19 वर्ष की आयु वाले आते हैं, जो कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं। बच्चों और वृद्धों से ज्यादा किशोरों को पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। कुपोषण की वजह से इनका स्वास्थ्य और विकास दोनों खराब हो जाते हैं और इन्हें भारत में मिलने वाले भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। कई किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं और विकास के चलते उन पर कोई ध्यान नहीं देता। किशोर बालिकाओं को इन समस्याओं के प्रति शिक्षा और सुधार के द्वारा संवेदनशील और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। बच्चों आओ अब हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में जानें। परिवार में कम लोग हो तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कल्याण को सुधार सकता है। इसी को देखते हुए
भारत सरकार ने 1952 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था और इसमें सुनियोजित पितृत्व को बढ़ाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कई वर्षों के प्रयास के बाद परिणाम आया था। इस स्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी, बच्चे के टीकाकरण, रोगी बीमारी से छुटकारा दिलवाया, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई और परिवार नियोजन को जन कार्यक्रम बनाकर नीतिगत ढांचा प्रदान कराया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की जनसंख्या पर बहुत ध्यान दिया था। इस नीति में पोषण आवश्यकताओं के अलावा अवांछित गर्भधारण और यौन संबंध से जुड़ी बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा पर जोर दिया और कुछ कार्यक्रम शुरू किए जो देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें असुरक्षित यौन संबंध से जुड़े बुरे प्रभाव के बारे में शिक्षा देते थे। साथ ही गर्भ निरोधक सेवाओं को सस्ता बनाया, पोषणिक सेवाएं दी और बाल विवाह को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया था। हर देश अपने देश में रह रहे लोगों को बहुत जरूरी समझता है क्योंकि एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या काम करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, चलिए अब इस पाठ में कुछ प्रश्न देखते हैं। एक, मानव संसाधन का उपयोग करते समय हमें क्या देखे और उसकी जानकारी कहाँ से पाए? दो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तीन, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? चार, निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? पांच, वार्षिक वृद्धि किसे कहते हैं? छह, जनसंख्या में बदलाव की तीन मुख्य प्रक्रिया क्या है? सात, भारत की किशोर जनसंख्या में कौन सी आयु के व्यक्ति आते हैं? आठ, 2011 मार्च तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? नौ, जनसंख्या का पता लगाने क्यों जरूरी है? 10. 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? चलिए बच्चों, अब ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए सबसे पहले जनसंख्या, उनके रहन सहन, उनका व्यापार व आदि देखते हैं। जनसंख्या से जुड़ी सारी जानकारी हमें भारतीय जनगणना से मिलती है। दो, क्षेत्रफल के लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तीन, जब किसी भी देश और राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या बदलती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चार, जब पहले की जनसंख्या जैसे 10 साल पहले में से 10 साल बाद की जनसंख्या को घटाकर देखते हैं तो वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। हर वर्ष 2% वृद्धि का मतलब यह है कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, इसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं। 6. जनसंख्या में बदलाव की तीन मुख्य प्रक्रिया है, जन्मदर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्मदर और मृत्यु दर के बीच की जनसंख्या का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में 1000 लोगों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं। भारत में जन्मदर हमेशा मृत्यु दर से अधिक पाई जाती है। साथ, भारत की जनसंख्या का पांचवा महत्वपूर्ण भाग किशोर जनसंख्या, जिसमें 10 से 19 वर्ष की आयु वाले बच्चे आते हैं। 8, विश्व की 17.5% जनसंख्या मतलब 12,106 लाख मार्च 2011 तक भारत की थी। 9, जनसंख्या का पता लगाना जरूरी है क्योंकि इसके अर्थ और महत्व जानकर इससे हमें दूसरे चीजों के बारे में पता लगता है। सिर्फ मानव ही संसाधन, आपदा, विनाश की सारी जानकारी दे सकते हैं, जैसे इनकी संख्या, इनकी वृद्धि आदि। 10, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मजा आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।